चिट्टू मुंबई में पढ़ाई करता था और खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम रैपिडो में काम करता। एक रात उसे रैपिडो में एक राइड का रिक्वेस्ट आता है, पर राइड का लोकेशन बहुत दूर था, पर अच्छे पैसे मिल रहे थे इसलिए बेचारा चला जाता है। वहाँ पहुँच कर देखता है एक लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। चिट्टू पास जाकर पूछता है, आप ही पैसेंजर हो? लड़की कोई रिप्लाई नहीं देती, बस स्कूटर पर बैठ जाती है। जाते वक्त रास्ता अनदेखा और काफी डरावना महसूस हो रहा था, इसलिए चिट्टू लड़की से पूछता है, मैडम कहाँ जाना है आपको? लड़की भारी आवाज में जवाब देती है, पुराने घर। चिट्टू को अजीब लगता है, पर लड़की को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए सफर पूरा करके आखिर उस लोकेशन पर पहुंच ही जाता है। लड़की बोलती है, रुको मैं आपके पैसे लेकर आती हूँ, और जाने लगती है। चिट्टू को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। लड़की अचानक रुक जाती है और रोने लगती है। चिट्टू बोलता है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लीज रो मत। तभी लड़की पलटती है और चिट्टू के होश उड़ जाते हैं। चिट्टू उस चुड़ैल से जान बचाकर तेजी से भागता है और शहर में पहुंचते ही फोन पे मैसेज आता है, राइड कंप्लीटेड। बेचारे चिट्टू को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए जाके पुलिस को सारी बातें बता देता है। पुलिस बताती है, वो रास्ता तो अबेंडेंड है, वहाँ जाना मना है। और चिट्टू को कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें वो लड़की पहले ही मर चुकी है। हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।